नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कुट्टाबाद ग्राम में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर का 3 दिवसीय उद्घाटन। आज बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हॉल में अंतर्राज्य सीमा अपराध बैठक के अवसर पर अधीक्षक चन्नबसवन्ना ESL पत्रकार वार्ता करें। कर्नाटक के बिजली कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्नाटक में PPP मॉडल के तहत 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कुट्टाबाग ग्राम में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर 3 दिवसीय उद्घाटन उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि बीदर दक्षिण विधायक बंडेपा काशिमपुर, MD नवाज खान, नगर सभा सदस्य मोहम्मद फेरोज खान, JDS जिला युवा नेता बाबूराव मलकापुरे और इनके अलावा ग्राम के स्थानीय निवासी भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर में पूजा आदि की गई और इसके बाद भोजन की भी व्यवस्था की गई थी और मंच पर कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि का सम्मान किया गया। बंडेपा काशिमपुर ने KP न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सभी मंदिर के सदस्य और लोगों को शुभकामनाएं दी। इनके अलावा मोहम्मद फेरोज खान, JDS युवा नेता और शिव कुमार तुंगा ने भी बात की। कैमरामैन संतोष के साथ असलम खान की रिपोर्ट। और आज ये जो कुट्टाबाद ग्राम में हनुमान देवालय का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है, क्योंकि पूरे गांव वाले मिलके, वो हमारे देशमुख साहब के फैमिली मिलके सभी जो है ना 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं भी यहाँ पे आके प्रार्थना करके पूजा कराया और ये बहुत जागृत हनुमान जी है और मैं हनुमान जी भगवान को प्रार्थना करता हूँ को सबको शांति समृद्धि अभिवृद्धि आयुष आरोग्य सबको दे के जो है ना आशीर्वाद करे। उसलिए सभी हमारे यूथ प्रेसिडेंट और नवाज खान काउंसलर और हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेंबर्स हमारे देशमुख साहब सभी लोग मिलके, देश पांडे साहब सभी लोग मिलके आज जो है ना इस कार्यक्रम में भागे ले हुए। और हर एक बार मैं हनुमान भगवान से वो हमारे लोग ये करते क्या बोलते, क्योंकि मेरा कभी भी काम करने में मैं ये रखता हूँ, हाँ बाकी का ऊपर वाले को छोड़ देते हैं मालूम। इसलिए आज हम लोगों का भलाई के वास्ते ये करे बिना दूसरा कुछ नहीं। शुक्रिया। अभी एक 8 दिन के अंदर सेकंड लिस्ट हमारा आ जाएगा, 8 दिन के अंदर। थैंक यू। जो BJP के MLA हैं प्रकाश वीरूपक्षप्पा, ED रेड उनको छापा हुआ सर परसों पकड़े गए ना 8 करोड़ के साथ उनका बेटा, तो उसके ऊपर क्या बोलना है सर आपका? देखो ये तो जगत जाहिर है, BJP वाले किस नमूना से भ्रष्टाचार करके उन्हें किस हिसाब से जो है ना नीचे गांव से लेके बेंगलुरु तक, ये तो ओपन ये है। इसलिए इसका जवाब हम देने वाले ने लोग इलेक्शन में BJP को देंगे मालूम। सर कांग्रेस वाले बोल रहे बीदर डिस्ट्रिक्ट से इस बार जो है इलेक्शन का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस के सीट आएंगे, BJP वाले BJP के आएंगे। हिंदुस्तान में तो कांग्रेस का सफाई हो गया, हिंदुस्तान में अभी कर्नाटक में भी बाकी नए लोग उसको भी सफाई करके छोड़ देते हैं। दूसरों का क्या देखते हैं, उन्होंने अपना खुद देख लो बोलो बस। सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे कुट्टाबाद ग्राम में यहाँ पे हनुमान मंदिर का खान चल रहा है 3 दिन से यहाँ पे, और बहुत बड़ा मंदिर बना गया, इसकी बहुत पुराना इतिहास है इसका। यहाँ पे बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ खान चलाया जा रहा है 3 दिन से, और सभी गांव वालों को से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज जो भी हो रहा है हमारे गांव में बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि इसलिए इधर यहाँ पर आके जो भी मन्नत मांगे तो उसका मन्नत पूरा होता है बोलकर हमारे पूर्वजने से बोले सो है।
हमारा गांव से और हमारा भाई हमारा माता जी से जो भी हमारा गांव से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास आज सीएमसी मेंबर नवाज खान साहब भी आया है और आने वाले दिनों में झड़पी मेंबर फिरोज खान साहब भी आया है और हमारा दक्षिण क्षेत्र का एमएलए साहब भी आया है और हमारा बाबू मलकापुर और एक हनुमंत सब जने मिल गए। हम पर बहुत भारी प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए हम हमारे गांव से सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। हाँ, हर साल होते सर, हर साल होते हैं। अभी 15 दिन के बाद और पुण्यम को यात्रा होता है। हाँ सर, हनुमान जयंती के दिवस कंटिन्यू होते सब। हाँ, मेरा नाम शिव कुमार तुंगा। अगर साहब भी अगर आने वाले दिनों में झड़पी मेंबर हो जाता बोलकर उसके मन में है, हमारे मन में भी है, अगर आने के बाद हनुमान मंदिर को आना बस। हाँ बिल्कुल करे सब, बिल्कुल ओके सर। आज बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हॉल में अंतर्राज्यीय सीमा अपराध बैठक के अवसर पर अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल पत्रकार को संबोधित करते हुए आज 1 फरवरी 2023 से 9 मार्च तक 2003 जिला अपराध संगठित जिले में कुल मामले दर्ज, जुए के कुल मामले 48, जब्त मूल्य 36,08,292 रुपए और इस मामले में गिरफ्तार कुल अभियुक्तों की संख्या 263 है। मटका मामले में 58 और 33,950 रुपए की कीमत जब्त की गई और कुल 78 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसी अधिनियम में उक्त मामले में 2 मामले दर्ज किए गए और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अनैतिक यातायात के मामले में 5 के खिलाफ मामला दर्ज और 11 आरोपी गिरफ्तार और एनडीपीएस में 7,20,000 रुपए के 2 मामले दर्ज किए गए और एनडीपीएस अधिनियम में कुल 382 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 133 मामले दर्ज किए गए, 27 आरोपियों पर राउडीशीट का मामला खुला है। कैमरामैन कृष्णा के साथ खुशरो अहमद, न्यूज बीदर जिले पुलिस ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಟ್ಟು 425 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಲಿಕರ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ವಿಚಾರ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾ ಕೆ ವಿಧಾಯಕ ಶರಣು ಸಲ್ಗಾರ್ ನೇ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಕಿಯಾ ಔರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪ್ ಸೇ ಮದದ್ ಕಿ. ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ ಕಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿ ದುರ್ಘಟನಾ ಹೋನೆ ಪರ್ ಘಾಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಮೇ ಭರ್ತಿ ಕರಾಯಾ ಗಯಾ ಥಾ. ವಿಧಾಯಕ ನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಕರ್ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಕಿಯಾ ಔರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪ್ ಸೇ ಮದದ್ ಕಿ. ವಿಧಾಯಕ ಶರಣು ಸಲ್ಗಾರ್ ನೇ ಉಚಿತ್ ಉಪಚಾರ ದೇನೆ ಕಿ ಸಲಹ ದಿ ಔರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರಕ್ತದಾನ ಭೀ ಕಿಯಾ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇ ಕೆಪಿ ಸಂವಾದದಾತಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮೆಹತ್ರೆ ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಜಿಲ್ಲೋ ಮೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಜಿ ಸಾಝೆದಾರಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೆ ತಹತ್ 11 ಔರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಖುಲೆಂಗೆ. ನಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್
ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಕೋಲಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ವಿಜಯಪುರ, ವಿಜಯನಗರ ಔರ್ ರಾಮನಗರ ಮೇ ಖೋಲೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆ ದೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೈಟ್ ಆವಂಟನ್ ಔರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವೀಕೃತಿಯೋ ಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಹಲೆ ಹಿ ಪೂರಿ ಕರ್ಲಿ ಹೈ. ಸೂತ್ರೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ 2024-25 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷೋ ಮೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಔರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೋ ಮೆ ದೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲೂ ಕಿಯೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿರ್ದೇಶಾಲಯ ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಾತಾ ರಾಠೋಡ್ ನೆ ಬತಾಯಾ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಬುನಿಯಾದಿ ಢಾಂಚೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುವಿಧಾಓ ಮೆ ಸುಧಾರ ಔರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಯೋ ಔರ್ ಗರೀಬ್ ಔರ್ ಮೇಧಾವಿಕ ಛಾತ್ರೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಿ ಅಧಿಕ ಅವಸರ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆ ಫೈಸಲಾ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡಲ್ ತಹತ್ 11 ನಯೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಕಿಯೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಔರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೈಟ್ ಆವಂಟನ್ ಔರ್ ಅನ್ಯ ಮಂಜೂರಿ ಪೂರಿ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ. ಹಮ್ ಕಾಲೇಜೋ ಕೋ ಚಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಿತಧಾರಕೋ ಕಿ ತಲಾಶ್ ಕರೆಂಗೆ. ಇನ್ ದೋನೋ ಜಿಲ್ಲೋ ಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2024-25 ಸೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಅಬ್ ಲೇತೆ ಹೈ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬ್ರೇಕ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಹರ್ ಕೋನೆ ಮೆ ಹಮ್ ಹೈ ಮೌಜೂದ್, 24 ಘಂಟೆ ಹಾಲಾತ್ ಪರ್ ಗಹರಿ ನಜರ್, ಖಬರೋ ಸೆ ಜುಡೆ ಚುಪ್ತೆ ಸವಾಲಾತ್, ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ದಿಖಾತಾ ಹೈ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜನೀತಿಕ, ಲೋಕಲ್ ಔರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬೆಹತರ್ ಕವರೇಜ್, ಜೊ ಆಪ್ಕೋ ರಖತಿ ಹೈ ಹರ್ ಪಲ್ ಬಾಖಬರ್. ದೇಶ ಔರ್ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಕಿ ಖಬರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇಖ್ತೆ ರಹೇ ಕೆಪಿ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बीदर जिले के बसो कल्याण तालुका के विधायक शरणु सलगर ने विभिन्न ग्रामों का दौरा किया. इस अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता आदि के साथ ग्राम निवासियों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा. बसो कल्याण से केपी न्यूज संवाददाता नागार्जुन मैत्रे की रिपोर्ट. मंगलुरु अदालत द्वारा एक मामले की सुनवाई में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के 7 साल बाद हेबरी पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जो अदालत में पेश हुए बिना ही फरार हो गया था. प्रकाश एक अपने मामले में आरोपी था. आरोप पत्र 2010 में करकला द्वितीय दुर्घटना दावा जनरल और प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट में दायर किया गया था. मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोष साबित होने के बाद 1 साल कैद की सजा सुनाई है. प्रकाश नमी जो पिछले 7 वर्षों से फरार है, उसका पता लगाया गया और हेबरी पुलिस स्टेशन उप निरीक्षक नंद कुमार एमएम के मार्गदर्शन में अदालत के समक्ष पेश किया गया और निरंजन हेगड़े को कोपल जिले के मदनूर में पुलिस अपराध अधिकारी राजकुमार और वारंट स्टाफ सुरेश कुमार और भरत द्वारा अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बेंगलुरु कर्नाटक के मांड्या जिले में एक परिवार के 5 लोग बाल बाल बच गए जब उनके घर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में विस्फोट हो गया, जिससे कई घरेलू सामान और उपकरण जल गए. रूट इलेक्ट्रिक कंपनी का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो एक घर के अंदर चार्ज हो रहा था, अचानक प्लग लगने के कुछ ही मिनटों में फट गया. यह घटना जिले के मुद्दूर तालुका के वल्लागेरे हल्ली गांव में हुई. वाहन के मालिक मधुराज, जिन्होंने लगभग 6 महीने पहले मांड्या के एक शोरूम से 85,000 रूपए में ये स्कूटर खरीदा था, आज सुबह लगभग 8:30 बजे चार्ज करने के लिए इसे घर के अंदर पार्क किया था. कुछ ही मिनटों में बैटरी फट गई और स्कूटी आग की लपटों में गिर गई. घटना उस वक्त हुई जब 5 लोग घर के अंदर थे. अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद जल्द उठते हैं.
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक के बिजली परेशन और वितरण उपभोक्ताओं के कर्मचारियों ने 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है, ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान धमकियों के साथ अपने मूल वेतन में 17% की बढ़ोतरी के बाद वेतन वृद्धि के लिए दबाव डाला जा सके। यूनियनों ने परोक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में व्यवधान का अनुभव होगा, क्योंकि लगभग 60,000 कर्मचारी हड़ताल पर शामिल है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मुफ्त अपराधों के वितरण और चुनावी लालच पर अंकुश लगाने के लिए मुहूर्त का इंतजार न करें। उन्होंने कहा, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया पर बयानबाजी और राय पर अंकुश लगाना है। वह चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर थे और यहां विकास सौधा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आयोग शहरी मतदाताओं और युवा मतदाताओं की उदासीनता को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को रोकने के लिए एटीएम मशीनों में शाम 5 बजे से 10 बजे तक नकदी पर प्रतिबंध रहेगा। सभी बैंकों को संदिग्ध लेने देन पर नजर रखने के लिए कहा गया। यदि सामान्य वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है, सामान्य तौर पर दूसरे से राज्य में आने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों सहित अन्य उपयोग की जांच की जाएगी। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी जाएगी। राज्य पुलिस राजस्व खुफिया निर्देशालय, राज्य जीएसटी प्रभाग, केंद्रीय जीएसटी प्रभाग, तटस्थ रक्षक व प्रवर्तन निर्देशालय, तटरक्षक बल, प्रवर्तन निर्देशालय, हवाई अड्डा और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी सहित धन शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। अवैध और अनियमित मुफ्त अपराधों के साथ साथ धन के उपयोग और प्रवाह पर कड़ी नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं, उनकी अनुमति नहीं है। सोमन्ना बीजेपी के साथ है और हमारे साथ रहेंगे, सीएम बोम्मई ने कहा। पीएम मोदी राज्य के कई हिस्सों में कैंपेन कर चुके हैं, जो भाजपा के में बढ़ गया है। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कुट्टाबाद ग्राम में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर का 3 दिवसीय उद्घाटन। आज बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हॉल में अंतर्राज्य सीमा अपराध बैठक के अवसर पर अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल पत्रकार वार्ता करें। कर्नाटक के बिजली कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्नाटक में पीपीपी मॉडल के तहत 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।